बिस्मिल्लाह रहीम। माय नेम इज़ उस्मान रशीद और आज मैं बेहतर कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से जो बजट हाउस है फॉर सेल लेके आया हूँ। अगर हम इसका टोटल साइज़ की बात करें तो वो तकरीबन 4 मरले है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर जो गुलबर्ग हाउसिंग स्कीम है उसके अपार्टमेंट मौजूद है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये शराज पार्क सरगोधा में वाक़ है। अगर आप वान चौक से सीधा आएंगे तो यहाँ पर ये घर वाक़ है। तो ये इस घर का एक्सटीरियर है, बड़ा ही मिनिमलिस्टिक और सिंपल सा इसका एक्सटीरियर है। सो ये है इस घर का गिराज या फिर पोर्च एरिया। मैंने आपको बताया था ये जो घर है इसका टोटल एरिया 4 मरले, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसे डिवीजन की गई है, यहाँ पर 2 गेट्स मिल जाते हैं आपको। एक तो ये गेट है जहाँ सेंटर हुए और दूसरा ये है। तो अगर आप सेपरेशन भी करना चाहें तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बाथ मिलता है और उसके साथ साथ यहीं से अलहदा से आपके जो ऊपर जाने की एक्सेस है वो आपको अलहदा से मिलता है। तो ग्राउंड फ्लोर पे आपको 2 एक्सेस मिलती हैं। सबसे पहले आपका जो डाइनिंग एरिया है डाइनिंग रूम है उसकी है, दूसरा आपका लाउंज है। सो हम आपको लेकर चलते हैं डाइनिंग एरिया से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत आपको डाइनिंग एरिया मिलता है। यहाँ पर 3D वॉलपेपर मिलता है। तो ओवरऑल जो इसकी वाइब है वो बहुत ज़बरदस्त है। सो ये है ग्राउंड फ्लोर का लाउंज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बड़ी खूबसूरत मीडिया वॉल मिलती है। उसके साथ साथ हम इधर आए, यहाँ से आपको जो मास्टर बेडरूम है उसकी एक्सेस, बड़े खूबसूरत आपको वॉलपेपर मिलता है जैसा कि आपको डाइनिंग एरिया डाइनिंग रूम में मिला था वही वाला मिलता है। और यहाँ से आपको किचन की एक्सेस मिलती है। तो यहाँ पर जो किचन है आप देखेंगे काफ़ी लंबा आपको किचन देखने को मिलता है, काफ़ी यहाँ पर कंपार्टमेंट्स हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है वेंटिलेशन का निज़ाम अच्छा रहे, यहाँ पर ओपन टू द स्काई वेंटिलेशन मिलता है। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इस घर में मास्टर बेडरूम की तरफ। सो ये रहा है इस घर का मास्टर बेडरूम ग्राउंड फ्लोर का। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं बड़े खूबसूरत आपको वॉलपेपर मिलता है, साथ ही आपको एक जो है फुल फ्लैश कबर्ड मिलती है ताकि आप अपना सामान स्टोर कर सकें, अटैच बाथ मिलता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ताकि वेंटिलेशन का निज़ाम ज़बरदस्त रहे, हमारा कंस्ट्रक्शन स्टाइल यही है, तो इस घर में भी आपको ओपन टू द स्काई वेंटिलेशन मिलती है। सो अब हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको टेरेस मिलता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक बाथ मिलता है। तो ये है फर्स्ट फ्लोर का लाउंज का एरिया। नीचे की तरह यहाँ पर भी आपको सेम डिज़ाइन मिलता है, वॉलपेपर भी तकरीबन सेम ही है, 3D वॉलपेपर मिलता है, मास्टर बेडरूम की एक्सेस मिलती है और यहाँ पर आपको किचन मिलता है और यहाँ पर एक विंडो है ताकि वेंटिलेशन का निज़ाम ज़बरदस्त रहे। ग्राउंड फ्लोर की तरह फर्स्ट फ्लोर में भी आपको सेम जो मास्टर बेडरूम है वो मिलता है, आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिलती है, साथ अटैच बाथ है, वॉलपेपर हो गया और यहाँ पर भी आपको फुल फ्लैज कबर्ड मिलता है। तो ये था आज का रिव्यू और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर हम इसकी फाइनली प्राइस की बात करें तो वो है 70 लाख रुपये। साइट निगोशिएबल है लेकिन यहाँ पर आपको रजिस्ट्री मिलती है, बिजली का मीटर मिलता है और ओवरऑल आपने वीडियो में देख लिया होगा किस तरीके की कंस्ट्रक्शन हुई है। तो अगर आप इस घर को बाय करना चाहते हैं मैं आपको नंबर वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा जिन पर आप रब्ता करके बड़े आसानी से इस घर को बाय कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।